फॉर अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ फिर से टाटा जूलॉजिकल पार्क। जी हाँ, अभी 4 जनवरी को मैंने सुना है कि यहाँ पे न्यू गेट का ओपनिंग हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना आपको जूलॉजिकल पार्क के न्यू गेट को दिखा दूँ। तो चलिए पहले टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है टिकट काउंटर। फ्रेंड्स, इस एंट्री गेट को बहुत ही सुंदर बनाया गया है, पार्किंग के भी काफ़ी स्पेस आगे दिए गए हैं। और ये देखिए टिकट का जो काउंटर है वो ये रहा। मैं अभी आपको प्राइस चार्ट भी दिखाऊंगी। प्राइस चार्ट मैं देख रही हूँ सेम ही है जैसे पहले था, 30 रुपीज़ पर पर्सन और 20 रुपीज़ बच्चों के लिए। एंड अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको 5 रुपीज़ पर हेड जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। पार्किंग रेट्स यहीं पे, मतलब पार्किंग चार्जेस आपको यहीं पे जमा करने होंगे। पार्क डेली ओपन रहता है, सिर्फ मंडे को क्लोज रहती है 9 AM to 4:30 PM। आप यहाँ कभी भी आ सकते हो। पार्किंग के जो चार्जेस है वो 10 रुपीज़ 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए 20 एंड बस के लिए 30 रुपीज़। चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये रहा सामने गेट, जो एंट्री गेट है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। वही लेंगे ही। फ्रेंड्स, बच्चे पैदल नहीं चल पाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने की सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले व्हीकल्स रहते हैं जो व्हीकल्स जो राउंड करवाते हैं अंदर में। अभी है नहीं, एक भी खाली नहीं है ही नहीं यहाँ पे, सब राउंड कराने गया हुआ है। क्या करेगी, वेट करेगी? अभी बोल रहा राउंड पे लेके गया हुआ है। फ्रेंड्स, हमें नहीं मिला इलेक्ट्रिकल जो भी व्हीकल्स लगे रहते, क्योंकि चार ही है और सब राउंड पे निकले हुए हैं। तो हमने सोचा चलो तब तक पैदल देखते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, फाउंटेन से सजाया गया है। पहले जो एंट्रेंस गेट था वो इतना खूबसूरत नहीं दिखता था। हर साल टाटा कंपनी की तरफ से जमशेदपुर वासियों को, जमशेदपुर शहर को एक गिफ्ट मिलता है, और इस साल का जो तोहफा है वो ये गेट है। आप देख सकते हो कितना सुंदर फाउंटेन है लेक में। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये इनॉग्रेशन जो बोर्ड पे लिखा है 4 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ है इस गेट का। ये देखिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ आपको। तो बेसिकली मैं आज जो आई हूँ वो आपको जूलॉजिकल गार्डन का एंट्रेंस जो न्यू गेट बना है वही दिखाने लाई हूँ। फिर भी चलिए जब यहाँ तक आई गए तो कुछ एनिमल्स भी दिखा देती हूँ। अभी बहुत सारे एनिमल्स इधर से उधर हुए, शिफ्टिंग चल रही है एनिमल्स की। पहले जो लायन टाइगर आपको बाद में देखने मिलता था लास्ट में, वो शायद अब फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत वे बनाया गया है। अभी जो नया रोड बनाया गया वो भी काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा स्लोथ बियर, जो लास्ट टाइम मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि शिफ्टिंग चल रहा था। तो उसके बाद आप मिलेंगे कैट फैमिली से टाइगर, ये टाइगर का मांद है, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर जो है वो यहाँ पर अल्टरनेट डे दिखाए जाते हैं, मतलब वन डे आपको ये टाइगर देखने मिलेगा और वन डे वाइट टाइगर। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उसमें मैंने वाइट टाइगर देखा था, तभी मैंने रॉयल बंगाल टाइगर को नहीं देखा था, मैंने ये वाइट टाइगर देखा था। ये देखिए मेरे लास्ट वीडियो के कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, और उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। इस जू की जो डिटेल वीडियो है आपको वहीं देखने मिलेगी। मैं आज बस फोकस करूंगी न्यू गेट और एनिमल को जो शिफ्ट किया गया है। तो आपको टाइगर लायंस जो कैट फैमिली है वो सामने देखने मिल जाएगी। ये देखिए लायन, यहाँ पे एक अफ्रीकन लायन और लायनस है, अभी लायन बैठा हुआ है, मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे उनके, है ना। और लेपर्ड मैं लास्ट टाइम ही दिखा पाई थी क्योंकि वो बहुत साइड में जाके सोया हुआ था। तो ये रहा लेपर्ड, हाँ चलो आ गया, ये इंडियन लेपर्ड है। उसके बाद हमें टोटो में दिया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होती है, क्योंकि इसका बहुत थक गई थी। तो हम लोग उसके बाद हम लोगों ने जो राउंड किया वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से किया। सारे एनिमल्स इधर से उधर शिफ्ट किए गए हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है क्या है। फिर भी चलिए देखती हूँ क्या क्या देखने को मिलता है।
अच्छा वो सफेद बाघ को भी घेरा हुआ है, वाटर में फंस रहे हैं। हम लोग जब देखे थे तो सफेद बाघ तो अभी हम लोग आ गए हैं क्रोकोडाइल के पास। लास्ट टाइम क्रोकोडाइल वाटर के अंदर था तो हमें दिखा नहीं था। ये देखिए ये 5 फीट लंबा क्रोकोडाइल है, अभी ऊपर ही है। उसके बाद ये एलिगेटर्स, ये भी ऊपर है। ये पहले तो हमें लगा कि स्टैचू है, बट ये लोग स्टैचू नहीं है, रियल के हैं। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हो, मेरी लास्ट वीडियो की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। आज तो ये तीनों बाहर धूप सेक रहे हैं। लास्ट टाइम वो लोग वाटर के अंदर थे, पॉन्ड के अंदर थे। ये देखिए एलिगेटर, 3 एलिगेटर्स हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैंड्रिल मंकी, जो लास्ट टाइम मैंने दिखा पाई थी आपको। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखता है, वो वहाँ बहुत किनारे में जाके बैठा है। उसके बाद हमने देखा हिप्पो को, हिप्पो शायद बीमार है थोड़ा, आज बाहर निकल कर बैठा हुआ है। लास्ट टाइम आ गए। तो चलिए मैं एक आपको फोटोज के थ्रू जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्या क्या आप यहाँ देख सकते हो। आपको स्लोथ बियर देखने को मिलेगा, हाइना देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ही हाइना है यहाँ पे, और स्लोथ बियर भी मुझे एक ही देखने मिला है। ऑस्ट्रिच देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। वो क्या है कि मैंने एक डिटेल जितने भी एनिमल्स है उनकी वीडियो एक ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप उसे जाकर देख लो। मैंने लिंक पहले भी बताया कि शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्ड में सारे एनिमल्स को नहीं दिखाऊंगी। और वैसे भी शिफ्टिंग चल रही है तो बहुत सारे केज और जो मांद है वो खाली है। आपको अफ्रीकन लायन देखने मिलेगा यहाँ पे, लायन और लायनेस दोनों ही हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मांद है जो लायन का बनाया गया है। इसके बाद आपको कैट फैमिली में मिलेगा देखने के लिए रॉयल बंगाल टाइगर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे टाइगर को अल्टरनेट डे खोला जाता है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे वाइट टाइगर देखने मिला था, रॉयल बंगाल टाइगर मैंने नहीं देखा था। बट जब इस बार आई हूँ तो मुझे रॉयल बंगाल टाइगर देखने मिला और वाइट टाइगर देखने नहीं मिला। ये लोग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले भैया थे, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने ही मुझे बताया कि अल्टरनेट डे खोला जाता है। तो लीजिए दिखा दे रही हूँ मैं फिर से आपको पहले वाले जो लास्ट टाइम आई थी उस टाइम जो मैंने क्लिप लिया था टाइगर का, वो वाइट टाइगर। आपको यहाँ पे लेपर्ड भी देखने मिलेगा, ये इंडियन लेपर्ड है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हिप्पोपोटामस, हिप्पो भी यहाँ पे एक ही है और वो भी बीमार है, विश करती हूँ जल्दी ठीक हो जाए। फिर आपको यहाँ पे एलिगेटर्स मिलेंगे, मंकीज मिलेंगे, मैंड्रिल मंकी लास्ट टाइम मैंने दिखा पाई थी क्योंकि उस टाइम शिफ्टिंग था तो उनका जो मान था वो खाली था, लेकिन बट आज मैंने देखा कि वापस से यहाँ पे मंकीज हैं और काफ़ी सारे हैं, 4-5 हैं, बट सब अंदर घुसे हुए थे, दिखने में कुछ इस तरह से लगता है। जेब्रा, आपको यहाँ पे जेब्रा दिखने मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स अभी भी शिफ्टिंग में इधर से उधर है तो मैं नहीं देख पाई हूँ। डियर्स के यहाँ पे बहुत सारे ब्रीड्स हैं, मतलब ब्लैक डियर भी आपको देखने मिल जाएगा, चीतल जिसे बोलते हैं,
ये देखिए इस तरह से जो डॉटेड होते हैं वो भी देखने मिल जाएंगे, वाइट डियर देखने मिल जाएगा आपको। और इसके साथ ही आपको बहुत सारे बर्ड्स इस तरह से देखिए, सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स ऑफ दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के देखने मिलेंगे आपको यहाँ पे, लाइक ऑस्ट्रिच, और इसके बाद आउल, पैरट्स, पिकक्स के भी वैरायटी है, दोनों हैं। मतलब पिकक्स में आपको नॉर्मल वाले जो होते हैं सुंदर से ब्लू वाले, वो भी देखने मिलेंगे। और इसके साथ ही आप वाइट पिकॉक भी यहाँ देख सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही एक कुछ बाहर के भी बर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे फिजेंट, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट कॉर्नर जो लास्ट टाइम बंद था, वो दोनों ही कॉर्नर खुल गए। मतलब आप रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, ड्रिंक्स और स्नैक्स ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।